हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एएसएमई के बारे में। एएसएमई का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये एक एसोसिएशन है जो कि प्रमोट करते हैं आर्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को अराउंड द ग्लोब थ्रू कंटिन्यूस एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोड्स एंड स्टैंडर्ड को डेवलप करके या फिर कंटिन्यूस रिसर्च करके। एएसएमई एक बहुत ही पुराना स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बेस है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। एएसएमई को फाउंड किया था कुछ ग्रुप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने मिलकर, जो कि फाउंड किया था स्टीम बॉयलर और प्रेशर वेसल के फेलियर के बाद। इसको फाउंड किया था 1880 में 4 मैकेनिकल इंजीनियर्स ने। पहले हैं अलेक्जेंडर लाइमन, जो कि एक इन्वेंटर थे और उनको कंसिडर किया था टॉप फोरमोस्ट स्टील एंड प्लांट इंजीनियर एंड डिज़ाइनर। दूसरे हैं हेनरी रोजिस्टर, जो कि एक इन्वेंटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था पंप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तीसरे हैं जॉन एडिसन स्वीट, ये भी एक इन्वेंटर थे, एक प्रोफेसर थे, बिजनेसमैन थे, और इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट माइक्रोमीटर कैलिपर, जो कि यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने में, और इन्वेंट किया था स्ट्रेट लाइन इंजन को। चौथे हैं मैथियास एंड फॉर्नी, जिन्होंने डेवलप किया था और डिज़ाइन किया था स्टीम लोकोमोटिव इंजन। एएसएमई के 110,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं ओवर 150 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। एएसएमई को जाना जाता है कोड्स एंड स्टैंडर्ड को सेट करने में फॉर वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस में। एएसएमई ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 600 कोड्स एंड स्टैंडर्ड को प्रोड्यूस किया है, जो कवर करते हैं मेनी टेक्निकल एरियाज में, जैसे कि फास्टनर्स, प्लम्बिंग, एलिवेटर्स, पाइपलाइंस एंड पावर प्लांट सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। इसका लार्जेस्ट स्टैंडर्ड है बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड, जो कि प्रोवाइड करता है रूल्स फॉर डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, केयर एंड यूज ऑफ बॉयलर, प्रेशर वेसल एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। एएसएमई के स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं मटेरियल के सिलेक्शन से लेकर वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसीजर्स, क्वालिफिकेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और न्यूक्लियर सर्विस इंस्पेक्शन तक। और भी कुछ नोटेबल स्टैंडर्ड हैं एएसएमई के, जैसे कि एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स, जो कि आते हैं A17 सीरीज में। दूसरा है ओवरहेड एंड मोबाइल क्रेन रिलेटेड लिफ्टिंग एंड रिगिंग इक्विपमेंट, जो कि आते हैं B30 सीरीज में। नेक्स्ट है पाइपिंग एंड पाइपलाइंस, जो कि आते हैं B31 सीरीज में। नेक्स्ट है बायोप्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो कि आते हैं BPE। नेक्स्ट है वेल्व्स, फ्लैंजेस, फिटिंग्स एंड गैस्केट, जो कि आते हैं B16 सीरीज में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस टेस्ट कोड। सो ये था कुछ ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।